असलम अलैकुम यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस हालत में यूँ क्यों बैठी हुई हूँ तो मतलब कि रफ हालत में तो इसलिए बैठी हुई क्योंकि अब मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हमें जीरो मेकअप सिखा दें तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने पे मैंने ये वीडियो बनाई है तो आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना है तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें तो मुझे किसी ने यह भी कहा था कि आप हर वीडियो पर ये क्यों बोलती हैं ये एक स्क्रिप्ट है ये बोलना पड़ता है हर वीडियो में बोलना पड़ता है अगर हम नहीं बोलें क्योंकि हर रोज नए नए सब्सक्राइबर हमें हाँ मिल रहे रहे होते हैं और भी आ रहे होते हैं इंक्रीज हो रहे होते हैं और भी आ ज़रूरी है कि हर पे बोलना, मेरा कोई ये आपको इरिटेट करने का मकसद नहीं है ये सिर्फ हमारा एक लाइन होती है तो वो बोलनी पड़ती है अच्छा हैं वीडियो को शुरू तो ये रात का व्यू है और रात को हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी तो मेरा दिल किया कि मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करूं तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था ना इतना अच्छा फील हो रहा था कि सुकून लग रहा था बारिश की वजह से मतलब कि बारिश की जो आवाज़ होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है और बहुत मज़ा आ रहा था तो फिर हम रात को फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो ये देखें बारिश की बूंदें अभी गाड़ी में भी पड़ रही हैं तो फिर हम लोगों ने लॉन्ग ड्राइव की किनार रोड पे उस पर बहुत मजा आया तो बारिश खूब इंजॉय की बहुत मजा आया रेली really. इस तो वीडियो शुरू करने से पहले क्या करते हैं अपने बालों को बांध लेते हैं ठीक है बालों को बांध के आप मेकअप करोगे ना तो वो ज्यादा अच्छा होगा बाद में आप खोल लेना ठीक है और इधर थोड़ी सी लाइट कम आ रही है पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है लाइट कम है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हमने ये वाली बेस लगा लेनी है ठीक है तो क्या इस बाल जो थे वो मैंने बांध लिए ऐसे और एंड पे आपको फाइनल लुक दिखाएंगे बाल खुले छोड़ के आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि कैसा हुआ है मेरा मेकअप तो ये हुदा ब्यूटी वालों की बेस है ये मैं लगाने लगी हूँ तो बस इसके हमने बस थोड़ी थोड़ी लगानी है ज़्यादा बेस नहीं लगानी ज़्यादा बेस लगाएँगे ना तो वो बड़ी ही मेचोर लुक आती है आपकी तो वो इसलिए ये मैं सिर्फ टीन एज की लड़कियों के लिए मेकअप करने लगी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप ही हमें मेकअप सिखा दें तो वह सिर्फ उनके लिए आपने ऐसे ऐसे करके डोर्स लगा लेने ठीक है, है अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक like कर दें एक लाइक तो बनता है ना अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए ये देखिए मैंने कम लगाते लगाते भी ज़्यादा लगा लिया है लेकिन इतनी लगाए ना मेरे फेस पे एक्नी है तो मैं सिर्फ एक्नी को और ये हल्के भी हैं तो इनको छुपाने के लिए बेस ज़्यादा लगाती हूँ और जिनकी अगर एक्नी नहीं है ना तो वो कम बेस लगाए ठीक है और मैंने लेंस भी लगाए हुए हैं मैंने ब्लू कलर के लेंस लगाए हुए हैं वो भी आपको कभी लगाने का तरीका बताऊँगी लेंस भी नहीं लगाने आते ना कई लोगों को तो वो भी बताऊँगी आप लोगों से वो भी तरीक़ा शेयर करूँगी और फिर ये आपने ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है और इसको आपने बेस को इस तरह करके ना बेस को लग आँखों के नीचे भी इस तरह करके लगा लेनी है क्योंकि आँखों के आँखों के ऊपर भी बे, बेस लगानी पड़ती है क्योंकि जब हम आईज़ का मेकअप करते हैं ना तो वो वो बहुत प्यारा होता है वो फिर ऐसा लग रहा होता है कि वो कलर जो होते हैं ना आइस शेड के वो वो पता चल रहे होते हैं कि ये कलर है वरना आँखों पर लोग कई बेस नहीं लगाते लेकिन लगानी चाहिए आँखों क्यों हमने बेस लगा लेनी है ठीक है और मैं बेस लगा के वापस आती हूँ मतलब कि इसको ब्लेंड करके ना फिर आती हूँ वापस तो गाइस मुझे ना बहुत ज़्यादा ज़ुकाम भी लगा हुआ है और मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से और मैंने ना कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पी थी तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे वाला काम बिल्कुल नहीं करना मुझे पता है लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मेरी तरह तो देखिए मेरा क्या हाल हो गया है और मेरी खांसी बिल्कुल ठीक हो गया लेकिन ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक पीने से परहेज़ करें मुझे पता है आप लोग बहुत पीते होंगे तो कमेंट्स में आपने बताना है कि आप पीते हैं या नहीं तो गैस हमारी बेस देखिए बिल्कुल लग चुकी है और अब हम करेंगे आइस मेकअप ठीक है तो आइस मेकअप करेंगे तो मैं ना ये तीन कलर लगाऊंगी वन टू और थ्री ये वाले कलर ही मैं लगाती हूँ हमेशा अगर आप लोगों का को कोई और भी दिल कर है आपका जो सूट का कलर है आप उससे कंट्रास्ट कर लें ठीक है तो लगा लें लेकिन मुझे ये तीनों कलर इस शर्ट के साथ जाएंगे तो इसलिए मैं ये तीनों कलर ही लगाऊंगी क्योंकि मेरा फैन मतलब कि मेरा फंकी लुक ली हुई है ना जीन्स की पैंट और शर्ट तो उसके लिए ना ये तीन कलर आँखों पे अच्छे लगेंगे तो इसलिए मैं ये तीन कलर मिक्स करूँगी आप लोग भी ऐसे मैं फिंगर से ही लगाऊँगी क्योंकि मुझे आदत है आप लोगों ने ऐसे ही लगा लेनी है ठीक है आपको पता चल रहा होगा ये देखिए देख सकते हैं कलर आपको पता चल रहे होंगे मैं आपको नज़दीक से भी बता दूंगी दिखा दूंगी क्योंकि ये मैं कर रही हूँ जीरो मेकअप मैं ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही लेकिन ये फिर भी ज्यादा हो जाना है <laughs> तो लड़कियाँ अपने हिसाब से कर सकती हैं ये वैसे आप कैजुअल मेकअप है ये आप करके बाजार भी जा सकते हैं ज्यादा भी नहीं है ये मेकअप और बुरा भी नहीं लग रहा होता हाय तुम कहाँ से आई हो है ताला जरा तो गाइस देखें आंखों पे मेकअप हो चुका है और ये जीरो मेकअप नहीं है ये नो मेकअप है मतलब कि जीरो नो मेकअप एक ही चीज है तो ये देखिए हो चुकी है और मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ ये देखिए कितना खूबसूरत लग रही है मेरी आईज देखिए और मैं आई नहीं यूज करूंगी आ, मतलब कि मैं तो गई जब तक आप लोग नकली पल के ना लगाएं तब तक आपकी आइज़ खूबसूरत ही लगती तो लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी जो आइज़ है ना वो पहले ही बहुत ज़्यादा गनी है तो बस हम इसके ऊपर लगाएंगे मस्कारा तो गए सब हम मस्कारा लगा लेंगे ठीक है आई लव मस्कारा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत बहुत ज़्यादा मेरा ये मेकअप ना फेवरेट पार्ट है मस्कारा लगाना इसी तरह आपने नीचे भी लगा लेना है ठीक है कभी मैं ब्लैंड फॉर चैनल भी करूँगी कि मैं बगैर देखे ना वैसे तो भी मेरे पास मैं मिरर नहीं देख रही लेकिन मैं कैमरे से ही देख के मेकअप कर रही हूँ कभी किसी दिन करूँगी ब्लैंड फॉर चैनल और चैलेंज करूँगी और बगैर देखे मिरर के आगे और भी मेकअप करूँगी वैसे लड़कियों का तो ये फेवरेट पार्ट होता है मेकअप लड़कियों को ना इतना मेकअप पसंद है ना कि वो बगैर देखे ही मेकअप कर लेती हैं मिरर देखे बगैर ही मेकअप कर लेंगी क्योंकि मेकअप के बगैर तो उन्होंने कहीं जाना नहीं होता मेरी तरह आप लोग ने कमेंट सेक्शन में देना है ना बताना है कि लड़कियां बगैर मेकअप के कहीं ही जाती झूठ बोलती हैं कहती हैं ना हमने कुछ नहीं लगाया हमने सिर्फ फेस पाउडर लगाया और कुछ भी नहीं लगाया ना लिपस्टिक लाइक कभी झूठ बोलती हैं उन्होंने ना नो मेकअप लुक ली होती है कि ये भी लग रहा होगा मेकअप किया और ये भी ना लग रहा होगा मेकअप नहीं किया इस तरह का मेकअप करती हैं तो गाइज अब ये ब्लैशर लगा लेंगे ख़त्म हो गया लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है ये पिंक कलर का है रज रज के लगाएंगे ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैं मैट में यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे एक्नी है ना तो इसलिए मैं मैट में ही मस्कारा यूज़ करती हूँ ये मैं जितना भी लगा लू ना मस्कारा मस्कारा पता नहीं क्या है मेरे फेस पे उड़ जाता है जितना मर्जी लगा लू लोग कहते हैं ना जोकर जोकर की तरह हमने जोकर लगना है हम इतना ज्यादा मस्कारा लगाया लेकिन मैं जितना मर्जी लगा लूँ मेरा पता नहीं कहाँ चला जाता है खत्म हो जाता है फेस पे शो ही नहीं होता तो मैं बहुत ज्यादा लगाती नोज पे भी लगा लेंगे वो लगेगा ना कि आप नेचुरल पिंक पिंक को इसलिए हम नोस भी लगा लेंगे इधर चीन पे भी लगा लेंगे और अब हम लगाएंगे लिपस्टिक फाइनली फाइनली जो हमारा मेकअप है वो डन हो चुका है और हम अपनी फाइनल लुक पे पहुंच चुके हैं मैंने सारा मेकअप आप लोगों के सामने किया है अब अगर किसी ने ये कहा ना कि हमें मेकअप की समझ नहीं आई तो ये वो बहुत इजी है लिपस्टिक देखे मैं कैसे लगा रही हूँ <laughs> लिपस्टिक जो सी है वो बस ऐसे ही मैं लोकल लगा रही हूँ कोई ब्रांड की नहीं है शायद ब्रांड की है नहीं लोकल ही है इसका ऐसे ऐसे करके फैला लेंगे ठीक है और आपको दिखाते हैं मेरा मेकअप डन हो चुका है आपको दिखाते हैं फाइनल लुक तो गैस जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी वो मैट की थी तो जिसकी वजह से मेरे जो हॉन थे ना वो ड्राई हो रहे थे तो मैं अब ये ऊपर लगाऊंगी थोड़ी थोड़ी करके लगा लूँगी फिंगर से ऐसे लगाऊंगी ना तो ज़्यादा लगेगी मेरे ना हॉर्न बहुत ज्यादा ना इससे मैड लिपस्टिक से बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं तो मेरी हो चुकी है फाइनल लुक तैयार आई होप के आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी तो लड़कियों की जो मेरे से गिले शिकवे थे कि आप मेकअप नहीं सिखाती तो आज वो फाइनली फाइनली दूर हो गए होंगे मुझसे जो उन्होंने गीला किया हुआ था और कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं मुझे हेयर स्टाइल की मेकअप मुझसे हो जाता है लेकिन मुझे हेयर स्टाइल की नहीं समझ आती मैं क्या करूं बालों की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं तो मैं ना बालों को खुला नहीं ज़्यादा छोड़ती मेरी अम्मी मुझे डांटती हैं कि तुम बालों को क्या बम की तरह खुला छोड़ लेती हो मुझे नहीं अच्छे लगते तो उन्हें नहीं पसंद तो लेकिन आज मैं ना अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगी कि बालों को खुला छोड़ के तो मैं मिलती हूँ आपसे अब, अब फाइनल लुक के साथ तो गाइज फाइनली फाइनली जो मेरा मेकअप है वो डन हो चुका है और ये मेरी है फाइनल लुक और देखिए आइस मेकअप भी आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और हर चीज़ परफेक्ट लग रही है तो अगर आप लोग भी ऐसे ही परफेक्ट मेकअप कर करना चाहते हैं और तो फिर आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी आपने मुझसे कोई भी आप लोगों ने मुझसे वीडियो जिस तरह की आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और मैं मिलूँगी आपसे मैं अपनी वीडियो का यहीं करती हूँ एंड क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ लेकिन मुझे अपनी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं <laughs> मतलब कि मैं दिल कर रहा कि मैं टिकट बनाऊँ मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ अगर मैं लड़का होती ना तो मैं अपने आप को खुद पर पोस्ट कर देती तो ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है अपनी लुक तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ और आराम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ज़ुकाम है तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो मैं रेस्ट करूंगी दिल किया तो टिकटॉक बना लूंगी नहीं दिल किया तो नहीं बनाएंगे तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय अल्लाफिज टेक केयर तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा क्यों आ गई हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने थंबनेल बनाने के लिए कुछ पिक्चर्स बनानी है और वो मैंने नहीं बनाई तो अब थंबनेल बनाने के लिए पिक्चर्स भी बनानी पड़ेगी और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग मेरी ये वीडियो कितने बजे देख रहे हैं तो और आप लोग किस सिटी से हैं ठीक है तो मुझे भी पता चले ना कि मुझे कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है तो मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार और चलते हैं अब तब मिलने के लिए पिक्चर्स लेते हैं